अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग विद शबाना में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की तरकारी, जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं 4 अदद, और इसमें जो मसाले डालेंगे वो मैंने लिए हैं, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 छोटा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्ची लिए 1 चम्मच, कलौंजी लिए मैंने 1 चम्मच, और नमक लिया है मैंने 1/2 छोटा चम्मच, ज़ीरा लिया है 1/2 छोटा चम्मच, और 1 अदद हमें टमाटर चाहिए होगा, इसको मैंने चॉप कर लिया है, और 2 अदद हरी मिर्ची है, इसको भी मैंने काट लिया है बारीक बारीक। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम आलूओं को छील लेते हैं। आलूओं को हम छील लेंगे और छोटे छोटे स्लाइस में हम काट लेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी, पूरियों के साथ और पराठों के साथ बहुत मज़ा देती है। आलूओं को मैंने छील लिया है, अब हम एक बाउल में पानी लेकर इन आलूओं को काट लेंगे ताकि ये अच्छे से धुल जाए। इस तरह चौकोर साइज में काटेंगे छोटे छोटे। और मैं ये आलू को इस तरह काट लूँगी। अब एक पैन में पानी डालेंगे, इतना पानी लेंगे कि हम आलू हमारे गल जाएं और ग्रेवी भी बन जाए हमारी इसमें। आलू शामिल कर रही हूँ मैं पानी में। आप इसको कचौरी की साथ भी आप इसको खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा ये। अभी आलू हमारे बॉयल हो जाए उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ, कलौंजी, कुटी हुई मिर्च, नमक और हल्दी हम शामिल कर देंगे, और ज़ीरा, और इसको पकने देंगे आलू के गलने तक। अब मैं इसे ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक हमारे आलू गल जाएंगे। 5 मिनट हो गए, आलू के देखते हैं आलू गल गए होंगे हमारे। आलू गल गए, अब मैं थोड़ा इससे इसको मेल्ट करूंगी हल्का सा, इसे अच्छे लगते हैं आलू। थोड़ा प्रेस करेंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा घोटना नहीं है हमें, बस ये इस तरह करना है हमें कि आलू टूट जाए बस। अब मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्ची शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर जो मैंने लिया था इसको मैंने पानी में धोल लिया अच्छे से, और अब मैं कॉर्नफ्लोर थोड़ा डालकर इसको थिक करूंगी। और इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, फिर हमारी आलू की भाजी तैयार हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर और डालेंगे, अगर हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम बचा लेंगे कॉर्नफ्लोर को, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता। जितना हमें ग्रेवी रखनी है हमें उसके हिसाब से हम इसकी ग्रेवी रखेंगे, इतना थिक सही लग रहा है मुझे। बस ये थोड़ी देर पक जाए, इसको मैं ढककर पका रही हूँ 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम किस सर्विंग प्लेट में हम निकालेंगे। 2 मिनट हो गए, अब मैं इसको देख रही हूँ, फ्लेम बंद कर रही हूँ, अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए हमारी आलू की भाजी तैयार हो गई है, झटपट से तैयार हुई है हमारी रेसिपी, और बहुत ही लजीज तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको पूरियों के साथ और पराठों के साथ खाइएगा, नाश्ते में भी बहुत अच्छी लगती है ये। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।